इस वीडियो में बताया गया टेक्निक अगर आपने समझ लिया और आपने लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आप हेयर में, हेल्थ में, वेल्थ में, नॉलेज में, स्टडी में, अपने दोस्त, रिलेटिव और कॉम्पिटिटर से इतना आगे चले जाएंगे कि आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, पहला कि आप अभी 5 करोड़ ले लो और दूसरा कि आपको आज 1 रुपया मिलेगा जो अगले 30 दिनों तक डबल होता जाएगा। मतलब आज 1 रुपया, कल उसका डबल 2 रुपया, परसों उसका डबल 4 रुपया मिलेगा। तो आप क्या चुनेंगे? अगर आपने 5 करोड़ चूज किया है तो आप गाड़ी घर का प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जिन्होंने हर दिन डबल वाला प्लान सेलेक्ट किया है उनको तो 1000 रुपया पहुंचने में 11 दिन लग जाएगा, जो 5 करोड़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तब तक तो करोड़ों वाला घर, गाड़ी सब खरीद कर स्विट्जरलैंड का ट्रिप प्लान कर रहा होगा, जबकि 18वें दिन डबलिंग स्कीम वाला पहली बार 1 लाख की सूरत देखेगा। तब तक तो 5 करोड़ वाला आदमी उस 5 करोड़ से कई लाख हर दिन कमा रहा होगा। 25वें दिन डबलिंग स्कीम वाला इंसान पहली बार 1 करोड़ क्रॉस करेगा। लेकिन असली मैजिक होता है 30वें दिन, जब डबलिंग स्कीम वाला इंसान को मिलता है। हाय, आई एम डॉक्टर अशोक सिन्हा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एक्सपर्ट, एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक, ट्रस्टेड एंड साइंटिफिक चैनल अडॉन हेयर केयर। एडॉन हेयर केयर वो चैनल है जो बेस्ट हेयर मेडिसिन जैसे एडॉन्सिडिल ग्रोडेंस तो लेकर आया ही है, आपको बेस्ट पीआरपी और वेस्ट ट्रांसप्लांट भी प्रोवाइड कराता है। अगर आप अपने लिए हेयर का बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने हेड का फोटो भेजिए, हमारी टीम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगी और आप डायरेक्ट डॉक्टर से पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एक ऐसा चैनल जो आपको हेयर से रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट नॉलेज देता है, उसको नंबर वन बनाने के लिए और हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हेयर ट्रीटमेंट में अपने दोस्तों से पीछे ना रहें, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो मैं बता रहा था कि असली मैजिक होता है 30वें दिन, जब हर दिन डबल स्कीम वाले इंसान को मिलता है 53 करोड़ 68 लाख का अमाउंट। मतलब 5 करोड़ वाले से 10 टाइम्स से भी ज्यादा, जो आपने 5 करोड़ चुनते समय नहीं सोचा होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाउंड इफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है और कंपाउंड इफेक्ट पर इस समय दुनिया में काफी काम हो रहा है। पॉइंट यह है कि एक छोटा सा चेंज लंबे समय तक एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है जो हमारी सोच से बहुत अलग और बहुत बड़ा होता है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब यह होता है कि जो छोटे मोटे चेंजेस हम अपने लाइफ में स्टार्ट करते हैं, अगर हम कंसिस्टेंटली उसे करते रहें तो लॉन्ग रन में वो चेंज इतना कुछ देकर जाएगा जो हमने शुरू में सोचा भी नहीं होगा। पर मैक्सिमम लोग जब अपने जीवन में चेंजेस शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब मेजरेबल और विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट होकर काम को छोड़ देते हैं, जबकि जिनको कंपाउंड इफेक्ट का पता होता है वो काम को करते रहते हैं और सबको पीछे छोड़ते रहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट लाइफ के 3 एरिया में सबसे अच्छा काम करता है, हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपके हेयर लॉस में कैसे हेल्प करेगा? ये इस एग्जांपल से समझते हैं। 2 इंडियन फ्रेंड्स आशीष और मिलिंद एक हेयर क्लिनिक में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि दोनों को हेयर लॉस था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और फ्लोरिडा यूएसए में रहते थे। दोनों की खाने पीने की आदतें एक जैसी थी, दोनों एक साथ ऑफिस पहुंचते थे, एक साथ ऑफिस से निकलते थे। कंसल्टेशन में डॉक्टर ने दोनों को मिनोक्सिडिल, मल्टीवाइटमिन, पीआरपी के अलावा कुछ और भी सजेशन दिया, जैसे 8 to 8:30 PM तक डिनर कर लेना, 10:30 PM तक सो जाना, मॉर्निंग में सनराइज से पहले उठना, 15 मिनट्स मेडिटेशन, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना, फ्रूट्स खाना, उसके 1.5 घंटे के बाद बॉइल्ड स्प्राउट्स खाना, खाने के पहले सलाद खाना, शुगर और मैदा बंद करना और हर खाने में 40% प्रोटीन खाना ही खाना है और साथ में जंक फूड बंद करना है। पहले महीने में दोनों ने सब फॉलो किया, दोनों का हेयर लॉस 30% से कम हो गया। दूसरे महीने में दोनों का ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गया। तीसरे महीने में दोनों का डेंसिटी भरने लगा, पर अब आशीष थोड़ा कैजुअल होने लग गए, मेडिसिन भी कभी कभी अप्लाई करते थे, कभी नहीं, लाइफस्टाइल भी पुराने जैसा होता जा रहा था। पर मिलिंद ने अपने आप को मोटिवेटर रखा, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने यानी 4th महीने तक दोनों का रिजल्ट अच्छा था, पर मिलिंद थोड़े इरिटेटेड थे क्योंकि वो काफी मेहनत कर रहे थे, जबकि आशीष वापस अपनी पुरानी आदत पर जा चुके थे, लेट सोना, लेट खाना, एक्सरसाइज बंद, मेडिटेशन बंद, जंक फूड खाना स्टार्ट, जबकि दोनों का रिजल्ट बराबर था। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मिलिंद मोटिवेशनल वीडियो भी देखने लग गए थे, नए नए बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इतना मेहनत करने के बाद भी सेम रिजल्ट। 8 महीने के बाद जब दोनों फॉलोअप के लिए आए तब भी दोनों के रिजल्ट में सिर्फ 10% का फर्क था। आशीष बिल्कुल अपने पुराने आशीष बन गए थे, जबकि मिलिंद अभी भी सब फॉलो कर रहे थे, पर अब मिलिंद को मजा आने लग गया था और उन्होंने कहा कि इस लाइफस्टाइल को अब वो कंटिन्यू करेंगे। 12 महीने के बाद के फॉलोअप में आशीष का
हेयर कंडीशन पहले के जैसा हो गया था, क्योंकि अब इनडिसिप्लिन के कारण उन्होंने मेडिसिन भी लेना बंद कर दिया था। मिलिंद का अभी भी रिजल्ट काफी अच्छा था, असली फर्क 18 महीने बाद दिखा। आशीष का बॉल्डनेस काफी बढ़ गया था, काफी वेट भी बढ़ गया था, लुक में कोई स्मार्टनेस नहीं था, पेट बड़ा हो गया था, चिड़चिड़े भी हो गए थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, लाइफ में कोई उत्साह नहीं था, फ्यूचर का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो भी उनसे हैप्पी नहीं था। जबकि मिलिंद का हेयर काफी बेटर हो गया था, स्लिम भी हो गए थे, 14 महीने में लगभग 150 मोटिवेशनल वीडियोस और 20 बुक्स भी पढ़ डाले थे, और उनका प्रमोशन भी होने वाला था। 2 साल के बाद दोनों का डिफरेंस लुक और पर्सनालिटी दोनों में आसमान जमीन का था। ये होता है कंपाउंड इफेक्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई इंसान लगातार एक ही काम को करता रहता है क्या। कंपाउंड इफेक्ट वो सीड है जिसका पेड़ बनना तय है, क्योंकि ये कंपाउंड इफेक्ट धीरे धीरे काम करता है पर रिजल्ट बहुत बड़ा और परमानेंट देता है। आजकल हम हर चीज शॉर्टकट में सोचते हैं, जबकि अगर आप आज से लॉन्ग टर्म में सोचना शुरू कर दें तो सब कुछ बदल सकता है। आइंस्टाइन को जब पूछा गया कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड किस चीज से है, तो उन्होंने कहा कि कंपाउंडिंग पावर से वो काफी इंप्रेस्ड है। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट को इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज मानते थे। उनके अनुसार जो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेगा वो बहुत आगे जाएगा। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अच्छे काम की शुरुआत तो करते हैं, पर चूंकि उनको कंपाउंडिंग इफेक्ट का पता नहीं होता है, तो जल्दी विजिबल रिजल्ट ना मिलने पर वो उस काम को छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। अब आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे और अपने दोस्तों और रिलेटिव से काफी आगे जाएंगे। Thank you very much for watching this video. Stay tuned.